good. Thank you. आप लाइव करिए ना. Angus sir, we have seen you directing Mumbai Mirror, we have seen you directing Bhindi Bazaar, बड़ी intense फिल्म है और वहां से ये मतलब full comedy, मतलब एक भी ऐसा पल नहीं जा रहा है जहां पर पंच नहीं आ रहा हो. So, शुरू जो है वो सीरियस से ही किया था, कॉमेडी हो गई बनते बनते. बट एक ऑनेस्ट एफर्ट था, एक सब्जेक्ट जो दिल को छू गया था, तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया और सभी लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, एक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ. और उसके बाद जो अब जो रिलीज करने जा रहे हैं वो पूरी फेथ के साथ है, उनका पूरा भरोसा इस पिक्चर के ऊपर. सो दैट्स हाउ इट इज. दैट्स ग्रेट. एंड गालिब जी की राइटिंग है फिल्म की. गालिब जी का कांग्रेचुलेशंस. वो मेरे जैसे डायरेक्टर के बैकबोन है वो. आइए गालिब भाई, आइए. जहाँ पर वो इंटेंस भिंडी बाजार लिख सकते हैं, वही कॉमेडी वाली चीजें भी लिख सकते हैं. कहाँ से आइडिया गालिब जी? अंडरकवर भगवान. एक्चुअली आइडिया जो है ये तो हमारे, किसने इंस्पायर किया आपको? सुबोध पांडे. अच्छा, उनकी कहानी है ये. उनकी कहानी मतलब वो अंडरकवर भगवान है जी. उन्होंने कुछ शायद किसी अंडरकवर भगवान को देखा हुआ. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो. और ये अंकुश जी की मेहरबानी कि उन्होंने कहा कि इसको कैसे डेवलप करते हैं और हमने बैठ के साथ में इसको डेवलप किया. तो आपने लिखा, अंकुश जी ने डेवलप किया और हमारी स्टार कास्ट ने उसको दे मेड इट कम अलाइव ऑन स्क्रीन. सो लेट्स कॉल देम वन बाय वन. मिस्टर केके मैन, जिनकी दुविधा से कहानी की शुरुआत होती है. क्योंकि आपने बहुत सही बात कही कि मतलब अब बताइए, घर भी भाड़े पे देने के लिए भगवान को कमीशन देना पड़ेगा. तो आपने कभी लाइफ में भगवान को कमीशन दिया है? नहीं, मैं भगवान के साथ बिजनेस नहीं करता. ये भी अच्छा डायलॉग है गालिब सर, नोट किया जाए. सो हाँ, पोस्टर लग रही है. हटिया. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. ओके, shoot was great fun because of these guys sitting here. They'll be coming here. Yes. They were great fun to work with. जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वही असल जिंदगी में भी है ये लोग. तो वो so it was great fun. I mean the entire atmosphere was super. Okay, we can feel that. I mean, अभी भी काफी friendly rapo and you know वो वॉर्म्थ नजर आ रही है. तो सबसे पहले जिस तरह ट्रेलर में आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी सीक्वेंस में सबसे पहले बुलाते हैं जो झूठे हैं, झूठा रवि दुबे. अब आपसे सवाल पूछने से पहले गीता तो नहीं लानी पड़ेगी ना कसम दिलवाने के लिए? सच बोलेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल. ओके, सो प्लीज टेक द माइक एंड सच बताइए कि कैसा रहा मिस्टर भट्ट का डायरेक्शन और आपकी इस कास्ट का कंपनी. ये तो होना ही है, कॉमेडी फिल्म. ये एक्चुअली प्लान्ड है. ये प्लांटेड है. या इट्स बीन सुपर्ब एट एवरी लेवल एंड लाइक केके सर सेड विद एवरीबॉडी देयर, एक अलग ही केमिस्ट्री वहाँ निकल के आ रही थी. और वो कुछ भी आपने स्क्रीन पे अभी देखा और जो बाद में आप 1 जून को देखेंगे, वो भी वो इसी का एक्सटेंशन है. सो वेदर इट इज आई फाउंड ग्रेट फ्रेंड्स इन करण कुणाल, ऑब्वियसली पूनम, प्रिया, केके सर एंड अंकुश. But the way I think the three of us gelled there in front of the camera, it was really good. We usually hero heroine ki chemistry dekhi jati hai, lekin yahan pe hero hero ki chemistry bahut badhiya hai. Aur jo dialogue aapne trailer mein bola hai, kya aapko yaad hoga? Ab to matlab aap neend mein bhi bol sakte hain jo aapne dialogue bola hai, bilkul tongue twister ki tarah. कच्चा पापड़ पक्का पापड़ से भी ज्यादा डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर बोला ऐसा लग रहा है आपने. वुड यू लाइक टू रिपीट? हां, कोई भी डायलॉग बोल दो. हां, अच्छा, तो बेसिकली मैं, हां चलो, कोई भी अगर इसकी चार लाइनें भी याद हैं तो आप बोल सकते हैं. हां, अटा सावन की घटा खाल कुछ बत्ती बुझा जाके सोजा इंटू के लिए बिंटू के लिए मंडी में खड़ी ली एंटी बजा रही बार बार घंटी कूला घुमा के पच्चम को ले भोतोलिया हटले पुटले छाना बन चलो. सो नो, बट बेसिकली ये डायलॉग की स्पीड ऐसी क्यों है, वो इसलिए बिकॉज अंकुश, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट द कैरेक्टर? द कैरेक्टर्स वर कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू थ्री, वेयर बेसिकली यू नो दैट देयर इज वन क्रिएटर. सो ही क्रिएट्स दैट एंटायर एम्बियंस एंड दैट एम्बियंस इज मैनेज्ड बाय विष्णु.
एंड इट इज डिस्ट्रॉयड बाय दिस मैन हियर. सो वो जो जो माहौल है, जो ओरिजिनल माहौल है, वो डायलॉग्स में भी कहीं कहीं आता है, इसीलिए हम ऐसा है ये. इसीलिए राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड, मतलब बुलेट बुलेट ट्रेन. ओके, सो नाउ जब आप आए सबसे पहले ट्रेलर में, उसके बाद आते हैं वो जो ब्रेड चोरी करते हैं, कितना मतलब इमोशनल है यार. ब्रेड चुरा कर भागे आप, जोरदार तालियां फॉर करण सिंह ग्रोवर एवरीबॉडी. बटर चोरी करता है, बटर माखन चुरा रहा था एक्चुअली, ब्रेड साथ में ले लिया. सो लाइक इन सिंक विद योर कैरेक्टर ऑफ लाइक विष्णु. यस यस विष्णु. और किस किस तरह से कैरेक्टर में घुसे आप वहाँ पे? एक्चुअली वो था नहीं, वो बांसुरी. लेकिन विष्णु जहाँ होते हैं वहाँ राधा भी होती है. हाँ, और बहुत सारी होती हैं उसमें. गोपियाँ भी होती हैं. तो थी बहुत सारी गोपियाँ भी, मैनी मैनी गोपीज. थैंक्स सो मच. तो बेसिकली चुराव माखन एंड बी अराउंड विद अ लॉट ऑफ गोपीज एंड मी बी मैरी मोर द मैरी अदर से. आपका तो सबसे ज्यादा कलरफुल था ना पार्ट, के भी गोपियां भी हैं कलरफुल. कलरफुल सबसे ज्यादा मेरा था पार्ट. लेकिन आपको देखकर लगता नहीं लेकिन इनको देख के, इनको इनको देख नहीं, बिकॉज यू नो किशन कन्हैया द गोपीज एंड द बटर एंड, बट आपको देख के लगता नहीं आप माखन चुरा कर खाते हैं, आप बेचते हैं क्या? मैं कुनाल के लिए चुरा रहा था एक्चुअली. वो सब चोरी मैंने उसके लिए की थी, क्योंकि वो क्या है ना, वो बाकी सब जो करता है उसके साथ माखन की जरूरत पड़ती है. Now it all makes sense. और वो बाकी सब जो करते हैं आपने ट्रेलर में देखा है, he is the चर्सी. So no, वो character है ना. So okay, so please let's welcome Kunal Roy Kapoor. And hi Kunal. Hello. So Kunal, film में आपको चर्सी बना दिया गया है, आप real life में कुछ मतलब एनीथिंग आज क्या था कुछ वो ऐसे सुन लिया सबने. जब इतना छोटा हॉल हो तो उसके फायदे. ओके, सो आपको चर्सी बना दिया गया है एंड ये कह रहे हैं कि बैड बॉय इन्होंने कहा आपको अभी. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. आई डोंट थिंक वो चर्सी नहीं है, बस एक आध बार वो चर्सी मेडिटेशन वो क्लेंजिंग के लिए, वो क्या कहते हैं क्या प्रसाद. जब इस तरह की फिल्म बनती है, इतना फन एंड अमेजिंग कास्ट होता है, तो सेट पे भी बहुत सारे कांड होते होंगे, तो एनी पर्टिकुलर कांड यू वुड लाइक टू शेयर? कांड काफी सारे हुए हैं. एनी मतलब जो मतलब थोड़े सेंसर्ड हूँ. नहीं, इस सीन में क्या किया था पता? कौन सी? ये जो लंबा सीन था जिसमें भी रवि ने डाला. Why don't you tell the story? इसमें क्या किया था? जो सबसे लंबा वाला डायलॉग था रवि का, जिस सीन में वो सीन शुरू होता था कि के सर बोलते हैं कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, एंड कुनाल हैड टू से कि ऐसे कैसे पुलिस में कंप्लेन कर दोगे आप, एंड एवरीबॉडी वन शॉट वाला हैपनिंग एंड कुनाल वेंट ऐसे कैसे तुम ब्ला 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 उसको लगा डबिंग में संभाल लेगा. ओह वाओ. एंड या एंड देन रवि एंड करण डायलॉग के लिए बोलो कि उसमें कैन वी हैव द सेलिब्रिटीज अ फ्रंटल लुक. यस यस. हाय मैम, हाउ आर यू? हां, तो बेसिकली वो कुणाल ऐसे कैसे ब्ला 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 के बाद उसने हमको ऐसे देखा कि मैंने अपना डायलॉग बोल दिया, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे अपना डायलॉग? What's wrong with you people? Basically everything was our fault and after that. So he is the Khan. I think the real Khan is the person who was supplying you the prasad. Lagta hai kuch zyada achhi quality ka tha. Okay, and now our leading lady, one of our leading ladies here with us, everybody please welcome Poonam Kaur. And you are the Radharani of the films. Yes. So Radha ji, ये जो एक ही किशन कन्हैया थे या सेट पे और भी किशन कन्हैया दिखे आपको मिले? एक काफी है. How sweet. What a sweet Radha man. तो what was your role and what was your experience of the? First, I would like to thank Ankush Bhatt for it and he made it possible for me. Thank you everyone and congratulations to all the team, because all of us were really looking forward for this day and the trailer release.
my co-actors Ravi Kunal. Ank to nahi khela kuch ank to nahi kiya wo idhar nahi batayenge acha oh okay so that's I think for one on one interviews kuch masala baat ke liye so can we please also have Priya Banerjee the beautiful and glamorous leading lady Priya what was your role in the movie and anything you'd like to share about how you became a part of the project I am playing Avani who's with Brahma basically Saraswati I mean of course Ankush I will thank you for that because he called me and he narrated the script to me and I loved it like right away I was like this is a film that I would love to do because just sounded so much fun and so much energy in the script itself so executing it was way more fun than that because I think it's turned out so amazing when I watch it right now on screen it just looks really really worth all the effort that we've put in it so you are Saraswati right to Saraswati ko to kehte na wo Saraswati ka vardaan hota hai unka matlab aawaz wagera bahut achhi hoti hai तो फिल्म का कोई गाना याद आ रहा है आपको आई एम श्योर इतनी अच्छी फिल्म है अच्छा नहीं नहीं एक लाइन से ऊपर नहीं गवाएंगे डोंट वरी मैंने किया था व्हाट डू यू मीन बाय किसी और ने किया था मतलब अगर आप सरस्वती प्ले कर रहे हो तो जरूर उनका वरदान मिला होगा एजुकेटेड यू नो गोस टू स्कूल एंड काइंड ऑफ फिर भी हां ऑफ कोर्स मैं गाना भी गा लेती इसको कैसे गाएंगे? Like there has to be a great song in the movie which you are. There are amazing songs. मैं नहीं गा रही हूँ but नहीं भगवान actually मैं आ जाएंगे अभी मैं गाने लाऊंगी तो actually like alright so we will keep it for the music launch. आप अभी तैयारी करना शुरू कर दे तो music launch के लिए उसको रख दे and of course now I would like to call the producer Chintan Rana. चिंतन जी बिल्कुल आपके जो नाम है चिंतन चिंतन मेडिटेशन तो मतलब कितना चिंतन करने की जरूरत पड़ी आपको इस प्रोजेक्ट के लिए इसको क्रिएट करने के लिए इस पूरी टीम को बनाने के लिए अंकुश जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी एवरी लिटिल बिट इफ यू कैन टेल अस अबाउट इट एक्चुअली तब मैं फर्स्ट टाइम अंकुश जी से मिला एक्चुअली अंकुश सर से मिला एक्चुअली मैं पढ़े हैं मेरे से एक्चुअली अंकुश सर इज फैंटास्टिक गाय एंड ऑल के सर रवि सर कुणाल सर एंड ऑल्सो रवि सर एंड करण सर और यस पूनम मैम प्रीति जी And this is your first film as a producer. Yes. And do you have a blast seeing the project come together and it being made? बहुत मजा आया आपको? Fan, superb project. बिल्कुल मतलब मोक्ष प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? Undercover भगवान के साथ आपने नहीं एक्चुअली अभी तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई. वो release की बात ही होगी. release की बात ही होगी. चलिए अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है मोक्ष की प्राप्ति के लिए 1 जून तक का हम इंतजार करेंगे और अब मैं यहाँ पर हमारे प्रेजेंटर्स अयूब खान जी और राजन बत्रा जी को बुलाना चाहूंगी ई फॉर यू एंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो मैं प्लीज रिक्वेस्ट आवर आउटडोर मीडिया पार्टनर ब्राइट मीडिया The brand which showcases corporate serials and 90% of the movie holdings that you see, Mr. Yogesh Lakhani. भाई आप भी आ जाइए So now the floor will be open for one-on-one interviews and photographs for the media. हाँ वो छोटा करता हूँ वो ना
लोग कैसे रोएंगे कैसे हंसेंगे, ये क्राइटेरिया को ध्यान रखना पड़ता है। और जब आपको कहानी ऐसी मिलती है जिसमें आपके पास बहुत गुंजाइश हो कुछ भी करने की, लोगों को हंसाने की, तो बहुत मज़ा आता है। और इस कहानी में हमारे पास वो सब कुछ रहा कि हम इतना सारा एंटरटेनमेंट लोगों के सामने लेके आ सके। Bye, I remember you clean children, that's right. So, yeah, Naughty was fun. Naughty was very, very minimal acting for me. Lots of times, Ankush just said, just be yourself and just don't do too much, just be yourself. And try and look fabulous, yeah. Thank you so much. Galib ji, aap se sawal hai. ये फिल्म क्योंकि ईश्वर को आप अंडर कवर बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ेगी? किस तरह हैंडल करेगी आपकी टीम? मतलब हमारी कोशिश ये है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और भगवान अंडर कवर, जो जैसे आपने देखा कि क्या वो भगवान है या नहीं है, यही हमारी कहानी है। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। तो आप लोग एंजॉय करेंगे फिल्म को। चिंतन, आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत छोटे से प्रोड्यूसर हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में कहा जाता है कि जिससे दुश्मनी निकालनी उसके कंधे पे बंदूक लगा लो, प्रोडक्शन करवा लो, क्या कहना चाहते हो? आपने ये एब्सोल्युटली राइट किया। एक्चुअली अभी जब मैं अंदर आया तब इतना फ्रस्ट्रेट था, जब अंकुश सर और इन सबसे मिला तो पूरा टेंशन निकल गया मेरा यार। फैम्बुलस गाइस यार, ऑल सबके चेक्स दे दिए आपने? लास्ट इंस्टॉलमेंट सबके बाकी है। ओके करण, वी आर सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस मैम। इन फैक्ट आफ्टर योर वेडिंग आई थिंक, नहीं? यस। या व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग? I actually had nothing to do with it. I was doing everything from my end, but wo kandhe nahi mil rahe the bandook rakhne ke liye. Aur dusre kandhe jo mile the uske baad humne, we've actually shot for another film, Ankush and I, which is also there's a little bit of it left, so that should finish now after this. And KK sir is also part of it, but that's the other one, so let's not talk about that. What was the reaction of Bipasha? You must have discussed the intriguing tale with her, maybe. She loves the concept of it. She loves the fact that we're touching a subject where it kind of makes you question your own faith, the faith that you have, and what you have faith in. So and told in a way which is not hurtful to anybody's, you know, emotions or anything like that, or beliefs. So it's a great story. She loved it. रवि जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। रेखा खान, नमस्कार। नमस्कार। आप टेलीविजन में बहुत अच्छा काम आपका देखा है, तो टेलीविजन से अब फिल्मों में किस तरह का, मतलब ये रोल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, या किस तरह से आप हम आपको एक अलग तरीके से देख पाएंगे? जी अब्बल, तो एक फेथ दिखाना अंकुश का इस तरीके से, ये एक बहुत बड़ी बात है, मायने रखता है। बहुत ही सादी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती है। तो दैट वाज अ बिग प्रायोरिटी फॉर मी व्हेन इट केम टू व्हाट फिल्म आई चूज टू एसोसिएट विद। टेलीविजन ने बहुत इज्जत दी है, आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आप लोग ये फिल्म देखना चाहेंगे, कुछ लोग मेरी वजह से भी देखना चाहेंगे। वो इसलिए है क्योंकि टेलीविजन ने वो बैकबोन दी है मुझे, एंड आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू टेलीविजन, एंड दैट्स बिकॉज फैमिलीज हैव वॉच्ड मी। सो आई विल ऑलवेज चूज सिनेमा देयर वेयर फैमिलीज कैन एंजॉय माय वर्क व्हेनेवर आई डू फिल्म्स, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये जो पहली पिक्चर अंकुश ने मुझे दी है वो एक पारिवारिक पिक्चर है, और पूरी दुनिया इसको बैठ करके देख सकती है। सारा परिवार, आपके सबसे छोटे सदस्य से लेकर के सबसे बड़ा सदस्य तक, एवरीबॉडी कैन एंजॉय द फिल्म। और ये सवाल मेरा, मैं तीन लोगों से करना चाहूंगी, केके जी से, अंकुश जी से, और करण आपसे। ये आजकल का दौर ऐसा है कि हमें, मतलब, एक भगवान पे या गॉड पे एक फेथ की बहुत ज़रूरत हो गई है। यानी हम अपने समाज में या आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं बहुत, मतलब, हमें बहुत ज़्यादा, हमें अंदर तक हिला रही है। तो आपकी ये फिल्म मतलब कुछ इस तरह का
एक पॉजिटिव संदेश या कोई भगवान की तरफ एक फेथ या उस तरह की दिशा में ये कुछ ले जाएगी या एक कॉमेडी या मनोरंजक ही सिर्फ साबित होगी? मनोरंजक है, बट जब हम कुछ बात कहते हैं तो वो मनोरंजन के जरिए कहें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वो प्रीची ना हो के एक हंसते खेलते वे में हम एक बात कह जाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्चुअली क्या हो गया ना, हम एज ह्यूमंस अभी इस दौर में गुजर रहे हैं जहाँ हम भगवान को अपनी कन्वीनियंस के तौर पर यूज़ करते हैं। हमको मतलब अगर लड़की पट नहीं रही है तो भगवान याद आ जाते हैं, एग्जाम में पास नहीं हो रहे तो भगवान याद आ जाते हैं। तो वो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, जहाँ हम अपनी कन्वीनियंस के थ्रू जब हम अच्छे पैच से गुजर रहे हैं तब वो भगवान कहीं छूट जाते हैं। वो एग्जैक्टली भगवान है क्या और आज हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, इन सारी चीज़ों को हमने इस फिल्म में बताया है। मैं ज्योति वेंकटेश, देखिए बिना फेथ का ये दुनिया चल नहीं सकता, पहली बात। अब फेथ हर प्रकार के होते हैं, कुछ भगवान पे फेथ होता है, कुछ अपने आप पे फेथ होता है। तो ये कहानी पूरी की पूरी विश्वास के ऊपर निर्धारित है। करण, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, एक हमारी फिल्म में एक हमने बनाया एक श्लोक है, ऊपर दी गुड़गुड़ दी अनेक्स दे बे ध्याना दी पाव पटे तक देखियो एनलाइटन दी लालटेन। अभी ये है एक एक हम जो तीनों हैं हम लोग, हम बचपन से फिल्म में हम लोग ये श्लोक बोलते रहते हैं और क्योंकि लोग हमें बिलीव करने लगते हैं तो वो ये श्लोक भी मान लेते हैं, क्योंकि जबकि उनको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। तो जस्ट ब्रिंगिंग आउट व्हाट यू हैव फेथ इन एंड हाउ स्ट्रॉन्ग योर फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस चीज में मान रहे हैं और आपका जो फेथ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इन द फिल्म। अच्छा, मैं ज्योति वेंकटेश, वेलकम टू द गर्ल्स इन बॉलीवुड। प्रिया एंड पूनम, दोनों अपने बारे में बताइए, इसके पहले कितने फिल्मों में काम किया, कहाँ कहाँ काम किया है? साउथ में किया है, पूनम ने भी किया है साउथ में, एक्चुअली बोथ फ्रॉम साउथ। हिंदी में भी किया है, माय फर्स्ट फिल्म वाज जज्बा एक्चुअली इन हिंदी। सो इट्स बीन ग्रेट, इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी सो फार लिविंग इन इंडिया, वर्किंग इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, नोइंग द पीपल लिविंग हियर, वर्किंग इन द वर्क एथिक्स एंड एवरीथिंग। It's been great so far. So, and I've enjoyed working in this project because, I mean, it didn't feel like work. We had so much fun shooting for it, not just because it was comedy, but I guess all of our chemistry was so amazing, offset, on screen. It didn't feel like work at all. And I think that's what you'll see on screen when you see the movie, that not just, you know, the chemistry between the guys and all of us is just so wonderful. And it's just a pleasure to watch. And Poonam, you have come from South. Which languages you have acted in? Telugu, Tamil? I have acted in all the languages in South. Telugu, Tamil, Kannada, and just one film in Malayalam. And I should actually really confess this. My faith in God and love for the character got me this role. If it was not for that, I don't think I would have played Radha. And the time at which this is releasing, it's almost the time where I thought, okay, fine, theek hai. Ankush, bahut time ho gaya. I think I'll quit films and all that. But yes, it has brought me back to something which I really, really love. Yes, I'm even doing television. I'm working with Bahubali producers, and I'm working in different in films and TV and everything. So I just think it's timing, luck, faith in God, and your perseverance which takes you everywhere. So let it be South or Bombay, I think it's all the same. But I had loads of fun shooting for this one, and all of us are amazing. I mean, all of you are amazing. And one question for both the actresses, since the title is Tridev, you're not slightly different. Why should we be part of Tridev when Devi's will not get but any the three importance. Days cannot be 3 days without the Devis, right? Yeah. So, pretty as important. हाय सोनल, आप तीनों बहुत अच्छे कलाकार, तीनों नहीं सारे ही हैं, लेकिन मैं त्रिदेव की बात करें क्योंकि त्रिदेव की बात करें। जब पहला पोस्टर आउट हुआ था तो मैं अंकुश जी से मिली भी थी, क्योंकि देखिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे पोस्टर आउट हुआ, पोस्टर पर जो हमारे तीन देवता हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, हम बिलीव करता है हर कोई, और उसमें उसी उनकी इमेज पर आप लोगों का फेस लगा हुआ था, भगवान आ रहे हैं, अंडर कवर भगवान आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि धार्मिक जो फेथ रखते हैं, जिनका धार्मिक बिलीव है, उनको कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचेगी? क्योंकि आप एक्टर्स हैं, डेफिनेटली आपके फैंस हैं। जी,
फर्स्ट पोस्टर के बाद आज ट्रेलर रिलीज हुआ है और आप लोगों का मुझे इंतजार था, तो ये सवाल मैंने फिर से पूछा है आप लोगों से। जी, जो भी जवाब देना चाहिए। चिल्लम चिल्लम। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को चोट आई। मैन जस्ट दिस थिंग इज क्या कि हम लोग हम भगवान के कितने भी रूप दिखा लें और कितने भी रूप मान लें, एक्चुअली इन द एंड भगवान ही की है और वो उसी ने हम सबको बनाया, तो थोड़ा उस भगवान का पार्ट हम सब में। और अगर हम हमारी तीनों की फोटोग्राफ छोड़ के किसी और की भी फोटो लगाएंगे तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसी सेम भगवान ने हम सबको बनाया और वही सेम भगवान हम सबके अंदर रहते हैं, तो ठेस मानने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को हम डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं, बट डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट गॉड्स ने डिफरेंट लोगों को नहीं बनाया, बनाया एक ही भगवान ने एक को। पर बॉलीवुड में ट्रेंड है ना भगवान को लेकर, कई फिल्में जिसे बनती आई हैं उस पर, उसी पर मेरा सवाल था। जी हेलो, फैंटास्टिक ट्रेलर। कालिब जी, अंकुश जी, मेरा सवाल आप लोग से, टेकिंग दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड, कि आप लोग ने कहा कि इतना अच्छे से बनाया है और किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होंगे, फन फिल्म है और भगवान सबके लिए, और ये सब हम मानते हैं, लेकिन आजकल अगर आप लोग ट्रेंड देखेंगे, बिना फिल्म देखकर, बिना कुछ जानकर लोग बवाल मचाने लगे, कॉन्ट्रोवर्सी खड़ा करते, अभी हाल ही में ऐसी फिल्मों के ऊपर हमने देखा भी है, तो अगर ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज आप लोग की फिल्म के लिए खड़ा होगा तो फिर कैसे हैंडल करेंगे? बट ये तो उनकी तरफ से है ना, अगर हम इनवाइट करते हैं, आइए एक प्लेटफॉर्म पे आइए, हमसे बात कीजिए, एंड आई एम श्योर आफ्टर सीइंग दिस फिल्म, जैसे उनका पद्मावती में भी था कि आपको ऐसा लग रहा था कि पद्मावत में आपने राजपूतों के खिलाफ, बट बाई द एंड ऑफ द फिल्म आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होता है, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि फिल्म देखने के बाद आपका भगवान पर विश्वास जो है वो तिगुना हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। करण, on a lighter note, yeah, if you had to be an undercover god for a day, what is that one boon you would grant Bipasha? Wow, and she's an undercover goddess herself, so not like she would need anything from an undercover god, but still she's Durga actually, yeah. But if I could I don't know really, man. What I want to say is, it's very selfish and it's not very godlike. But no, you can to buy an island for her, you know. Just say that, yeah, I know that you are lady god, hai, okay, goddess. Maybe you haven't thought about this, but this island I have picked up for you. Because I am an undercover god for one day. एक और सवाल है, आज अगर आप लोग ऐसी फिल्में देखेंगे जैसे ओ माई गॉड थी और उसके पहले गॉड टू सी ग्रेट हो, अगर हॉलीवुड में भी अगर ऐसी फिल्में देखेंगे ब्रूस ऑलमाइटी, हमेशा व्हेन यू सी गॉड कमिंग डाउन ऑन अर्थ, उनको आदमी के रूप में दिखाते, कभी स्त्री के रूप में क्यों नहीं, गॉडेसेस क्यों नहीं? वो हमारी बैकवर्ड थिंकिंग है सर, एक्चुअली वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो वुमेन हैं और जो विमेन जो रूप हैं, इट्स अ मच हायर स्पीशीज देन मैन, वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने से ऊपर किसी को देख ही नहीं पाते, तो अगर जिस दिन हम सबको एज कलेक्टिवली कलेक्टिव कॉन्शियंस हमको समझ आएगा कि विमेन आर अ हायर स्पीशीज देन मैन, देन हम शायद उसको डिफरेंटली देखने लगेंगे। Karan, did you realize this only after getting married to Bipasha? And what were the... come on, be a support. I am. Yes? And, I mean, what were the things that made you realize this after getting married to Bipasha? No, it started from birth actually. Because the lady who gave birth to me was also a woman only. So how mothers and wives and daughters, how their capacity to do everything and make it look so easy, like it's a part of, like it's a part of, it's like I called my mother after getting married and I told her that, you know, why did you make it look so easy when you were doing everything? आपने कभी ऐसे दिखाया नहीं कि बहुत मुश्किल लग रहा है आपको ये सब करना, पूरा अपना काम संभालना, घर संभालना, हस्बैंड संभालना, दो बेटों को संभालना, तो व्हाई डिड यू मेक इट लुक सो इजी? क्योंकि हमें लगा था कि जब हम बड़े होंगे एंड वी विल बी डूइंग एवरीथिंग, इट विल बी ऑल वेरी इजी, बट वी रियलाइज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड स्पेशली मेन, आई डोंट नो, आई एम जस्ट
talking on behalf of everybody. We can only do one thing at one time. So wo bahut mushkil hota hai, and to realize and to accept the fact that women do everything all the time together with such ease is something that you have to be blind or stupid not to. Yes. Multitasking and make it look easy. Like it's part, it's like you're breathing. It's normal for you. Since you added one thing. Thank you, since you. Thank you for this. Yeah, month. Thank you so much. And you added something about daughter also. So are you all planning? We have not started planning yet, ma'am. करण हाय ज्योति फ्रॉम जूम. मेरा सवाल आपसे है कि कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि आप और विपाशा कोई फिल्म कर रहे हैं या तो फिर वेब सीरीज, कितनी सही है ये न्यूज़? मैं इसके बारे में यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये हमारी फिल्म के बारे में, बट काफ़ी सही है, हो सकता है मतलब. नहीं, आप बता ही नहीं दीजिए ना अगर कंफर्म है. नहीं नहीं मैम, ये मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि उसका अनाउंसमेंट मैं नहीं कर सकता. अच्छा, वेब सीरीज है कि फिल्म है, ये तो बता सकते हैं जी. अभी तो मैं कुछ याद नहीं आ रहा त्रिदेव की जगह. कुछ तो था देखो, त्रिदेव आई कांट डू मोर देन वन थिंग एट वन टाइम, कोई ना प्रॉब्लम हो गया. रवि, आपकी फैमिली का मतलब आपने टीजर दिखाया होगा, पोस्टर्स, क्या रिएक्शन था? वो लोग बहुत खुश है, परिवार है वो तो खुश होता ही. एंड दे लव द फिल्म, यू नो दे लव द ट्रेलर, दे हैव सीन इट. एंड लाइक आई सेड, यू नो पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सकता है और मेरा परिवार तो डेफिनेटली देखेगा. केके, डू यू बिलीव इन द आइडिया ऑफ गॉड? ब्रिलियंट. यार आध्यात्म छोड़ देते हैं फिलहाल. आई डू बिलीव इन गॉड, यस. What we can do is, because the diversion is going somewhere else, we can get on to one-on-ones outside and then we can continue with your personal questions on one-on-one interviews like that. Yeah? We'll, do you all want to see the trailer once again? Yes. Yes. Yeah, let's do it. Thanks all.